हेलो गाइस, फिर से नया वीडियो में आपको वेलकम है। आज हम एक टू गो से एक मोबाइल ख़रीदा था, तो इसका मैंने मैंने 1 मंथ से पहले ख़रीदा था, लेकिन वो बाद में उसका मैंने बैटरी डाउन हो गया था, इसलिए रिप्लेसमेंट के लिए दिया था। तो वो रिप्लेसमेंट होके आ चुका है। कितना दिन लगा, क्या क्या प्रोसेसर हुआ, इसके बारे में सारे डिटेल्स में बात करेंगे। चलिए इसका अनबॉक्सिंग करके देखते हैं क्या आया हुआ है। पैकेज को खोल चुका है। ऐसा ही कुछ पैकेज है, जैसा मैंने फ़ोन पैकेज मुझे मेरे पास आया मैंने जैसा उसको ही रीपैकिंग करके दे दिया है मुझे। तो मुझे मैं 1 मंथ के पहले ख़रीदा था, तो बीच में इसका बैटरी डाउन हो गया था। फिर मैंने कंप्लेंट की, मैंने 5 से 6 बार कंप्लेंट करने के बाद मुझे मेरे पास पिकअप हुआ। और रिप्लेसमेंट होने जाने आने का 25 से 30 डे ऑलमोस्ट लग गया है। अभी से मैंने दिया था 25 डे हो चुका है रिप्लेसमेंट के लिए। भाई आप टू गोड से खरीद रहे थे, उसका वारंटी पीरियड इतना ख़राब है, आप पूछो मत। ऐसा ही कुछ, चलिए इसको अनबॉक्सिंग कर देते हैं, वो देखते हैं क्या है सामान। मैंने जिस बैक कवर से भेजा था, इस सही बैक कवर में वापस आए हैं। और है मैं फोन रहा, सेम ही फ़ोन है, मतलब इसका बैटरी चेंज करके मुझे डाल दिया। एरे फोन चलिए इसको यूज करने के बाद पता चलेगा कितना दिन और बैटरी टिक पाता है। तो मैं एक और बात करना चाहूँगा, आप कोई भी सामान खरीदे नया में खरीदे, सेकेंड हैंड टू गो से मत खरीदे। नहीं तो भाई इतना इसका रिप्लेसमेंट सर्विस इतना बुरा है, आप फंस जाएंगे। थैंक यू आज का वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आप अभी तक तो मेरा चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।